नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रोफेशनल पर। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पर जो आपका कोर्ट का ऑर्डर है वो आ चुका है, और अगर ये जो ऑर्डर है वो आपका यहाँ पर 40-45 के पक्ष में है, तो यहाँ पर बहुत से लोग तो खुशी हुई, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर निराश हुए हैं। जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी निराशा हुई है। और दोस्तों अभी सरकार ने अपना स्टैंड भी क्लियर नहीं किया है कि यहाँ पर वो आगे इस प्रोसेस को जारी रखना चाहती है, यानी कि यहाँ पर इसी अकॉर्डिंग भर्ती करना चाहती है, या आगे वो डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। तो दोस्तों ये जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरा विचार है, जहां तक मैं सोच रहा हूं, सरकार ऐसा जरूर करेगी, वो डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट तक जरूर जाएगी। तो ये अभी भर्तियां, जैसा कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि 3 महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये भर्तियां 3 महीने में पूरी हो जाएंगी। अब ये तो सरकार का स्टैंड क्लियर होने पर ही पता चलेगा कि अगर सरकार 40-45 के साथ जाती है तो भर्तियां जल्दी हो सकती हैं, अदरवाइज इन भर्तियों को होने में काफी वक्त लग सकता है। तो दोस्तों यहां पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अगर यहां पर 40-45 को लेकर ही ये भर्तियां फाइनल की जाती हैं, यानी कि जो कटाफ जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 40-45 वालों को ही यहां पर कटाफ रखा जाए, तो उस अकॉर्डिंग यहां पर कितने लोग सिलेक्ट हो सकते हैं और कितने मार्क्स जो आपने सुपर टेट में पाए हैं, तो कितने मार्क्स तक का आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैं यहां पर बात करूंगा सुपर टेट में पाए जो लोग जितने मार्क्स पाए उनका, यहां पर बात करूंगा कि कितने अगर आप मार्क्स पाते हैं तो यहां पर सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। दोस्तों यहां पर बहुत सारी डेटा निकल कर आ रहे हैं और बहुत सारे न्यूज़पेपर में तो मैंने यहां तक भी देखा है कि ऐसा बताया जा रहा है कि 120 के आसपास अगर आपके मार्क आते हैं तब भी आप अपना सिलेक्शन सिक्योर नहीं समझे। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में यहां पर हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्टेट यानी कि सुपर टेट है उसमें कितने मार्क्स आप अगर गेन करते हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, अगर कट ऑफ 40-45 रहती है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भर्तियाँ कंप्लीट की जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहली बात करेंगे शिक्षा मित्रों से संबंधित। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, अगर कट ऑफ 40-45 रह जाती है तो दोस्तों शिक्षा मित्र के पास होने के काफ़ी चांसेस हैं। आप ये मान सकते हैं 25,000 से 30,000 के आसपास यहाँ पर शिक्षा मित्र पास हो जाएंगे अगर यहाँ पर कट ऑफ ये रहती है। तो दोस्तों अगर 25,000 से 30,000 शिक्षा मित्र पर पास हो जाते हैं, मान लेते हैं हम मैक्सिमम ले लेते हैं 30,000 शिक्षा मित्र अगर यहां पर पास हो जाते हैं, तो यहां पर जो आपकी वैकेंसी है 69,000 यानी कि 39,000 वैकेंसी आपकी बचती हैं। और इनमें जो शिक्षा मित्र जो पास होंगे, इन शिक्षा मित्रों में सबसे ज्यादा अगर हम अधिकता देखते हैं तो जनरल कैटेगरी के रहेंगे, क्योंकि ये 40-45 कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी लोग काफी पास करेंगे, तो ज्यादा यहां पर नुकसान जनरल कैटेगरी का होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें से पास होंगे और ज़्यादा वैकेंसी उन्हीं की यहाँ पर जाने वाली हैं शिक्षा मित्रों के पक्ष में। तो दोस्तों ये आप निकाल देते हैं तो यहाँ पर आपके पास बचती हैं 39,000 वैकेंसी। अब ये 39,000 वैकेंसी में यहाँ पर BTC और BEd वालों को फाइट करना होगा। तो दोस्तों 39,000 वैकेंसी में आपको किसका है, BEd और BTC दोनों को फाइट करना होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर शिक्षा मित्र की बात करते हैं तो जो शिक्षा मित्र यहाँ पर 40 या 45 के कटाव को क्रॉस करेंगे उनको भारांक मिल जाएगा, और भारांक मिलने की वजह से वो काफ़ी आगे निकल जाएंगे और सिलेक्शन पा जाएंगे, तो उनको यहाँ पर हम निकाल देते हैं। यहाँ पर 39,000 वैकेंसी बचती हैं और इस 39,000 वैकेंसी में BEd और BTC वालों को फाइट करना होगा। यहाँ पर मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि अगर कटाव 40-45 रहती है और इसके अकॉर्डिंग आपकी भर्तियां कंप्लीट की जाती हैं तब यहां पर ये कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सुपर टेट के मार्क्स की बात करते हैं तो अगर आपका एकेडमिक अच्छा है, एकेडमिक का जो गुणांक जो कि वो जोड़ा जाना है साथ में, तो अगर आपका एकेडमिक अच्छा है यानी कि एकेडमिक 29-30 के आसपास आता है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपका एकेडमिक अच्छा है तो 100+ जो लोग हैं वो अपने आप को थोड़ा सा सेफ कह सकते हैं अगर उनका एकेडमिक यहाँ पर अच्छा है। दोस्तों यहाँ पर मैं किसी को निराश नहीं करना चाहूँगा, ना ही किसी को बहुत खुश करना चाहूँगा, ये मेरे प्रेडिक्शंस हैं। और जहाँ तक मैंने स्टूडेंट से बात की है, बहुत सारे लोगों से कॉन्टैक्ट किए हैं, बहुत सारे लोगों के नंबर देखे, उस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे दिखे हैं जिनको अच्छे नंबर लाए हैं, 100 से काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर हैं, तो इन सारी चीज़ों को देख कर मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो अगर दोस्तों यहाँ पर आपका 100 और साथ में आपका जो एकेडमिक है वो ठीक है, वो अच्छा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 100+ कट ऑफ जाएगी, यानी कि 100 से थोड़ा सा ऊपर ही रहेगी, बिल्कुल नीचे नहीं जा सकती इसी भी इस कंडीशन में भी। तो दोस्तों ये बात की है मैंने यहाँ पर BTC और BEd दोनों के लिए, अगर जिन दोनों का एकेडमिक अच्छा है, तो अगर आप 100+ हैं तो अपने आप को थोड़ा सा सेफ जोन में समझ सकते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आपका एकेडमिक थोड़ा सा वीक है, यानी कि अगर आपका एकेडमिक में 23 से लेकर 24 के आसपास नंबर रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसी नंबर के बीच में लोगों के नंबर होते हैं, जो एकेडमिक जिनका कम होता है ज़्यादातर 23-24 के मार्क्स उनके आएंगे, अगर आप अभी तक नहीं कैलकुलेट किए हैं या आपने कैलकुलेट किया। दोस्तों अगर आप देखते हैं तो आप अपने एकेडमिक नंबर और अपने सुपर टेट के मार्क्स हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम एक अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आप यहाँ पर किस लेवल पर पहुँच गए हैं। तो दोस्तों अगर आप 23 और 24 एकेडमिक नंबर पाते हैं तो आपके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि 100+ सेफ है, तो ये गलत होगा।
मैं यहाँ पर किसी को नाराज नहीं करना चाहता या निराश नहीं करना चाहता, ये भी आपके मार्क्स कम रह जाते हैं। 100+ वाले भी अपने आप को सिक्योर या सेफ नहीं समझ सकते हैं। तो मेरा यही मानना रहेगा कि अगर आपके अकेडमिक अच्छे नहीं हैं और आपके 100 के आसपास ही मार्क्स हैं तो आपका यहाँ पर चांसेस थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो 40-45 कट ऑफ रख दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी वैकेंसीज जो है शिक्षा मित्र लेके चले जाएंगे, तो इससे कट ऑफ हाई जाने के 100% चांसेस यहाँ पर हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखें, और जैसा ही मुझे शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई अपडेट मिलता है या सरकार का स्टैंड क्लियर होता है कि क्या करना चाहेगी सरकार या क्या इसमें और प्रोसेस होगा, हालांकि इसमें इतनी आसानी से अभी कुछ नहीं होने वाला, अभी तो इसमें टाइम लग सकता है, तो इस प्रकार से मैं ज़रूर आप लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रेडिक्शन था, और दोस्तों आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और ये शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट समय समय पर आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।